चीन में एक बार फिर कोरोना काल का कहर देखने को मिल रहा है। आलम यह है कि चीन में मौतों का आंकड़ा चिंताजनक रूप से बढ़ने लगा। हेल्थ एक्सपर्ट की माने तो आने वाले 3 महीने में चीन की 60% आबादी कोरोना से संक्रमित होगी। चीन के अलावा जापान, अमेरिका, कोरिया, ब्राजील अचानक कोरोना के मामले में बढ़ने नजर आ रहे। ऐसे में और देशों की स्थिति को देखते हुए भारत सरकार भी अलर्ट मोड में आ गई है। मंगलवार को केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को अलर्ट करते हुए अनुरोध किया कि जहां तक संभव हो हर दिन पता चलने वाले पॉजिटिव केस के सभी केस की जीनोमिक सीक्वेंसिंग करवाई जाए। वहीं अब स्वास्थ्य मंत्री ने कोरोना के खतरे के बीच राहुल गांधी को भी चिट्ठी लिखी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडावलिया ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखा। पत्र में कहा गया कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कोविड दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए और मास्क, सैनिटाइजर का उपयोग लागू किया जाए। साथ ही कहा कि सिर्फ वैक्सीन लेने वाले लोग ही इसका हिस्सा बने। इसके लिए साथ उन्होंने पत्र में यह भी अनुरोध किया कि यदि कोविड प्रोटोकॉल का पालन संभव नहीं हो तो सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति को ध्यान में रखते हुए भारत जोड़ो यात्रा को राष्ट्रीय हित में स्थगित कर दिया जाए।